आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामगढ़ टेक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको झारखंड 10-12 रिजल्ट के बारे में कुछ अपडेट देना चाहता हूं। आपको बता दें झारखंड 10-12 का रिजल्ट जो है मई में जारी किया जाएगा। इसको लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट झारखंड बोर्ड की तरफ से निकाली जा रही है। 8 लाख अभ्यर्थी जो इसका परिणाम का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए इंतज़ार की घड़ी खत्म होने वाली है। जी हाँ, जानिए कब आएगा झारखंड बोर्ड का रिजल्ट, आपको हम इसमें अपडेट पूरा जानकारी देने वाले। अगर आप झारखंड बोर्ड का परीक्षा लिखिए तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्या कुछ खबर निकाला गया जैक बोर्ड की तरफ से, पूरा अपडेट पूरा जानकारी ले लेते हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड बोर्ड झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले जारी कर देगा। जैक बोर्ड की माने तो 23 मई से पहले नतीजे जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। जैक के अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि परीक्षा परिणाम मई से पहले जारी करने की संभावना जताई जा रही है। जैक के अध्यक्ष से उम्मीद जताई जा रही कि परीक्षा परिणाम मई में जारी हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे। आपको बता दें 2018 में किस तरह का रिजल्ट आया था, चलिए हम आपको बताते है। पिछले वर्ष जैक बोर्ड 10वीं परीक्षा का 59.48% स्टूडेंट पास हुए थे। वही पिछले वर्ष जेएससी के 12 साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के रिजल्ट 7 जून को 2018 को घोषित किया गया था। साइंस में 48.34%, कॉमर्स में 67.49% स्टूडेंट जो है पास हुए थे। जेएससी ने जैक 12वीं आर्ट्स के नतीजे 27 जून को घोषित किए थे। आपको बता दें आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, जिस कारण आर्ट्स की जो डेट है वो बढ़ा दी गई थी। पिछले वर्ष 2018 को 27 जून 2018 को आर्ट्स की रिजल्ट जारी की गई थी। 12वीं आर्ट्स में 72% लोग पास हुए थे। तो यहाँ पर जैक बोर्ड की तरफ से यही अपडेट फाइनल निकाला गया है। जैक बोर्ड ने कह दिया है कि 23 मई से पहले परीक्षा का नतीजा जारी कर दिया जाएगा और यही उम्मीद जताई जा रही है कि परीक्षा परिणाम जो है मई में जारी हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले ही इसे जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा अपडेट यही निकल कर आया है झारखंड बोर्ड के तरफ से। आप में से कितने लोग इस परीक्षा को लिख रहे, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और आप कितने दिन से वेट कर रहे हैं, आपने परीक्षा कब लिखा था, आप इंटर या मैट्रिक का परीक्षा लिखे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।